बिसम अस्सलाम वालेकुम व्यवर्स आज बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यकीन जाने की बहुत मज़े की बनती है आप इसको राबते ईद पर बनाएं या फिर किसी भी स्पेशल ओकेज़न पर आप इसको ट्राई कीजिएगा बहुत ही मज़े की बनती है तो चलें शो करते हैं आज की रेसिपी तो व्यवर्स एक किलो चिकन लिया है मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इसके लेग पीसीस पर जो हैं वो इस तरह से कट लगा लिए हैं इसके अलावा ज़्यादा बड़े पीसीज हों उन पर भी आप कट लगा लें तो व्यवर्स अब इसको करूँगी मैं मैरिनेट जिसके लिए सबसे पहले इसमें तकरीबन आधा चम्मच जो है वो मैं नमक ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून और इसके साथ ही इसमें जो है वो हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कोई और इंग्रेडिएंट इसमें शामिल नहीं करूँगी जस्ट नमक मिर्च और हल्दी लगाकर इसको मैरिनेट कर दूँगी और तीस मिनट के लिए इसको जो है वो रख लूँगी तो फिर इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से जो है वो मसल लेंगे ताकि ये जो नमक मिर्च है ये सारे पीसीस के साथ बड़ी अच्छी तरह से लग जाए तो फिर इस तरीके से भी आप ट्राई कीजिएगा बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और तो थोड़ा तो यूनिक सा फ्लेवर आता है इसका तो देखिए इस तरीके से सारे पीसीस के साथ जो है वो बड़ी अच्छी तरह से नमक मिर्च और हल्दी जो है वो लग चुकी है अब जो है कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे तो मैं उस कढ़ाही ली इसमें मैंने आयल डाल दिया तकरीबन एक से डेढ़ कप अब इसमें जो है वो इन पीसीस को एक एक करके इस तरह से रखूँगी और इनको बहुत अच्छा सा फ़्राई कर लेंगे बिल्कुल इसको फुल फ्लेम पर जो है वो मैं फ्राई करूँगी तो इस तरह से जो है इनको स्पेस के साथ रखती जाऊँगी और जब एक साइड इसके अच्छे से गर्म हो जाए तकरीबन एक मिनट के बाद दन, इसकी जो है वो मैं साइड चेंज करूँगी और दूसरी साइड भी अच्छी तरह से गर्म कर लूँगी तो व्यर्स अब इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे इस तरह से पकड़ कर इसको जो है वो इसकी साइड चेंज कर देंगे देखें एक साइड जो है उसका कलर बहुत अच्छे से चेंज हो चुका है इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है अब इसकी दूसरी साइड भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे तो ऑयल बहुत ज़्यादा आप इसमें यूज़ ना करें अगर कम ऑयल है जिस तरह मैंने लिया है तो इसी में जो है हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे तो व्यर्स सारे पीसीज इसी तरह से जो है वो मैं इसमें से निकाल लूँगी और सबको जो है वो इसी तरह से फ़्राई करके निकालते जाएंगे। तो बर्स तकरीबन सारे पीस जो है वो फ्राई हो चुके हैं अब इनको जो है वो मैं डिश आउट कर दूँगी और इसी ऑयल में जो है वो हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे व्यवर्ज़ बहुत ही यूनिक सा टेस्ट आता है आप डिफरेंट डिफरेंट वे से इसको जो है वो ट्राई किया करें तो ये थोड़ा सा चेंज करने से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार होगी सारे पीसेस को निकाल लिया अब अब बाकी जो पीस हैं उनको भी इसी तरह से फ़्राई करते जाएंगे और साथ साथ निकालते तो व्यूअर्स so, इसकी फ्लेम को ऑफ कर दिया था और आयल बिल्कुल जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है अब इसमें एक चम्मच जो है वो मैंने साबुत ज़ीरा ऐड कर दिया थोड़ा सा देखेंगे ये फ़्राई होना शुरू हुआ है और अब इसकी फ़्लेम को ऑन कर देंगे और इसके साथ ही इसमें जो है वो प्याज़ बरी ग्रेट की हुई वो इसमें ऐड कर देंगे दे आप चाहें तो प्याज का पेस्ट बना लें लेकिन ग्रेट की हुई प्याज जो है वो थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाती है तो प्याज को जो है बहुत ज़्यादा हमें इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना जस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे और इसमें जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन को भी मैंने चॉप किया है आप चाहें तो उसका फाइन सा पेस्ट बना सकते हैं तो फिर देखें प्याज जो है फ्राई हो चुकी है अब इसमें अदरक लहसुन चॉप किया हुआ तकरीबन दो चम्मच ऐड कर दूंगी और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे तो व्यवर्स अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तकरीबन फ्राई हो चुका है अब इसमें जो है वो टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया टमाटर मैंने दो दरमैनी साइज के लिए थे और इनका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लिया आप चाहें तो इनको ग्रेट भी कर सकते हैं तो व्यवर्स अब इसको इतना फ्राई करना है कि आयल अलग हो जाए देखिए टमाटर बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर इसके अलावा हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा इसमें और वन टी स्पोन जो है वो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें सुरख मिर्च पाउडर ऐड करेंगे आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसकी रेशो कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके साथ ही टू टी स्पून जो है वो धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया हाफ़ टी स्पून जो है वो गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया अब इसमें जो है वो थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि ये जो स्पाइसेस मैंने इसमें ऐड किए हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छे से आ जाए तो वह इसको बहुत अच्छी तरह से कुक कर लेंगे तो जर्स देखें आयल अलग होना शुरू हो गया अब इस स्टेज पर जो है वो इसमें दही ऐड कर दूंगी और इसकी फ्लेम को जो है वो स्लो कर देंगे तो बहुत अच्छे से जो है अब इसको हमने कुक करना है ताकि दही बहुत अच्छे से मैश हो जाए और इसमें बहुत अच्छा सा मिक्सअप हो जाए आप चाहें तो दही को अच्छी तरह से फेंक इसमें ऐड कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसी तरीके से ऐड करते हैं तो फिर इसकी फ़्लेम को थोड़ा लो कर दें ताकि दही जो है वो स्मूथली इसमें अच्छा सा मिक्सअप हो जाए तो व्यवर्स अब इसको इतना फ्राई करना है कि आयल जो है वो अलग होना शुरू हो जाए बहुत अच्छा से इसको हमने फ्राई करना है तो बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है आयल अलग हो चुका है अब इसमें जो है वो दूध एक छोटा बाउल ऐड कर दिया इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप करेंगे और इतना कुक करेंगे कि इसमें बहुत अच्छा सा बॉयल आ जाए तो व्यवर्स ये एक लाजमी आंसर है कि आप इसको जो है वो ज़रूर इसमें ऐड करें दूध को क्योंकि कश्मीरी चिकन ग्रेवी के लिए कि बहुत ही लाजमी से बहुत ही टेस्टी चिकन बनता है आप एक दफ़ा बनाइएगा ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट मैंने इसमें शामिल किए हैं तो अब देखिए दूध भी बहुत अच्छे से जो है वो कुक हो चुका है अब इसमें जो है वो बादाम का पेस्ट तैयार किया था मैंने थोड़े से पानी में बादाम जो है वो भिगोए थे तकरीबन दस से बारह और उनका अच्छा सा एक पेस्ट तैयार करके वो इसमें ऐड कर दिया आप चाहें तो काजू भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मेरे पास बादाम मौजूद थे तो मैंने इसमें बादाम का इस्तेमाल कर लिया तो व्ययर्स अब इसको बहुत अच्छा सा हमें कुक करना है और अभी मज़ीद इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं तो देखते रहिए मेरी वीडियो को तो व्यूअर्स अब इसमें जो है वो एक छोटा बाउल पानी ऐड कर दिया बल्कि दो बाउल पानी ऐड करूँगी ताकि ये बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए तो अब इसको इतना कुक करेंगे कि ये बहुत अच्छा सा इसमें बॉयल आ जाए तो वीयर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेलाइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा इससे क्या होगा कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में तो व्ययर्स ज़बरदस्त ग्रेवी तैयार है आप इसमें चिकन ऐड कर दूँगी फ्राई किया हुआ इससे बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसपी तैयार होगी और इसको तकरीबन दस से पंद्रह मिनट के लिए हमें कुक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर ताकि सारी जो भी स्पाइसेस ऐड की हैं वो चिकन में बहुत अच्छा सा उनका एक टेस्ट आ जाए तो व्ययर्स आप इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिनटों में तैयार हो जाता है बस आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनका ख्याल करना है कि किस स्टेज पर कौन सा इंग्रेडिएंट शामिल करना है तो इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और दस से पंद्रह मिनट के लिए जो है इसको मीडियम टू तो लो फ्लेम पर कुक करेंगे चिकन जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है जस्ट हमने इसको इसलिए इतना कुक करना है कि इसके जो स्पाइसिस वगैरह सारे जो हमने ग्रेवी में ऐड किया उनका बहुत अच्छा सा टेस्ट जो है वो चिकन में आ जाए तो वीयर्स आप इसको कवर करके तकरीबन दस से पंद्रह मिनट के लिए जो है वो कुक कर लेंगे तो व्ययर्स देखिए पंद्रह मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया तो कितना ज़बरदस्त जो है वो चिकन तैयार हो चुका है आपने बीच में एक दो बार जो है वो इसको अच्छी तरह से हिलाना है ताकि ये साथ ना लगे अब इसमें कसूरी मेथी जो है वो दो चम्मच ऐड कर दूंगी और इसको जो है वो कवर करके मज़ीद दो मिनट के लिए कुक करेंगे लेकिन बिल्कुल लो फ्लेम पर ताकि ये जो कसूरी मेथी मैंने इस स्टेज पर इसमें ऐड की है इसका फ्लेवर सारे चिकन में बहुत अच्छा सा आ जाए तो वेयर्स इसके साथ इसमें सबज़ मिर्च जो है वो चार पांच बारीक कटी हुई ऐड कर दूंगी आप चाहे तो उसको स्किप भी कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी ये चिकन बनता है अब इस स्टेज पर आपने बिल्कुल इसकी फ़्लेम को लो कर देना है तो व्यर्स अब इसमें सब्ज मिर्च भी ऐड कर दी तो वेयर्स ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है इस तरीके से जिस तरीके से मैंने बनाई है थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन थोड़े से टाइम से की वजह से बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिज़ल्ट हैं तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसका टेक्स्चर चेक करें कितना ज़बरदस्त है और चिकन भी बहुत ही सॉफ्ट सा होगा मुँह में घुलने वाला आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे तो वेयर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी कश्मीरी चिकन ग्रेवी आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही ज़बरदस्त बनती है इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त आया है और सबसे बड़ी बात ये बहुत ही सॉफ्ट है आप इसको किसी भी ओकेजन पर इवेंट पर जो है वो ट्राई कर सकते हैं किसी दावत पर आप इसको बना सकते हैं तो आप देखिएगा कि इस सब जो भी खाएँगे इसकी तारीफ़ करेंगे व्यवर्स ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है आप इसको नान के साथ चावल के साथ या फिर रोटी के साथ सर्व कीजिएगा किसी भी ओकेजन पर आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही मज़े की बनती है और एक बात कोशिश करें कि आप हमेशा इखलाक से दूसरों से बात करें हज़रत अली रजी अल्लाह तआला का भी कौल है कि हमेशा इखलाक से बात करो क्योंकि इंसान पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें उसकी ज़ुबान की वजह से आती हैं तो कोशिश करें अच्छी बात करें अच्छे लहजे में करें तो व्यूअर्स ये थी मेरी आज की रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी तो अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा ओके जी अल्लाह हाफिज़